भारतीय टीम में कोरोना बम फूटने से टेंशन में रोहित शर्मा, अब पहले मैच में उतारनी होगी ये प्लेइंग 11। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को दिल से सपोर्ट करते हो और चाहते हो भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज को जीते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय क्रिकेट टीम 6 फरवरी से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने वाली है, लेकिन इस सीरीज से ठीक पहले टीम इंडिया के कई खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अब रोहित शर्मा के सामने बड़ी चुनौती इस बात को लेकर खड़ी हो रही है कि पहले वनडे में वो किस प्लेइंग 11 के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरें। ऐसे में दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में आपको पहले वनडे की प्लेइंग 11 के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सिलेक्टर ने पहले ही साफ कर दिया है कि केएल राहुल दूसरे वनडे मैच में उपलब्ध रहेंगे, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और शिखर धवन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में ओपनिंग का जिम्मा रोहित शर्मा और हाल ही में टीम में शामिल हुए मयंक अग्रवाल संभालते हुए नजर आएंगे। इन दोनों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में कई मैच जिताए हैं। अब बारी वनडे में हाथ जमाने की है। वहीं तीसरे नंबर पर सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली का उतरना तय है। फैंस उनके बल्ले से बड़ी पारी देखना चाहते हैं। शायद 2 साल से शतक का इंतजार कर रहे फैंस को अब कुछ देखने को मिले। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय मिडिल ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा था। ऐसे में रोहित मध्यक्रम में धाकड़ बल्लेबाजों को उतारना चाहेंगे। चौथे नंबर के लिए 2 दावेदार मैदान में है, सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर। अय्यर कोरोना से संक्रमित है तो सूर्य कुमार ये जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं 5वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह फिक्स। पिछले कुछ समय से पंत ने भारतीय टीम के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं। 6वें नंबर पर दीपक हुड्डा को मौका मिल सकता है, उन्हें काफी दिनों के बाद टीम इंडिया में शामिल किया गया है। दीपक एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। वहीं भारतीय पिचे हमेशा से ही स्पिनरों की मददगार होती हैं। ऐसे में रोहित शर्मा जादुई स्पिनर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं। ये जोड़ी पिछले 2 साल से एक साथ खेलती हुई नहीं नजर आई है। तेज गेंदबाजी का जिम्मा दीपक चहल और प्रसिद्ध किशोना संभालते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। शार्दुल ठाकुर अपनी कातिलाना गेंदबाजी और धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले ही स्टार ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, सीएसके को अपने दम पर फाइनल जिताने वाले ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और नवदीप सैनी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ अब बाहर हो गए हैं। टीम इंडिया के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। वहीं मोहम्मद सिराज और आवेश खान को खेलने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्हें साउथ अफ्रीका दौरे पर भी खेलने का मौका नहीं मिला था। रवि बिश्नोई को पहली बार टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिली है, ऐसे में उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। ऐसे में आइए दोस्तों, जानते हैं क्या होगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे की प्लेइंग 11, जो कुछ इस प्रकार निकल कर आ रही है। रोहित शर्मा कप्तान, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों, आप भी पहले वनडे की प्लेइंग 11 और इस प्लेइंग 11 के संबंध में अपनी राय हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।